गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग राशि परिचय सभी राशियों का राशिफल एवं कर्ज मुक्ति उपाय की जानकारी दें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई रविवार 2024 श्री सुसंवत 2081 सकसंवत 1946 सावन महीना अंधेरा पार अष्टमी तिथि सूर्य कर्क राशि में चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र दिन में 3:33 तक रहेगा। इसके बाद भरणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार 5। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक, गुलिक काल दिन में 3 बजे से 4:30 तक, यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम राहु काल में किए जाते हैं उस काम में कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा आरंभ करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राशि परिचय। अब हम आपको राशि परिचय की तरफ लेकर चलते। अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि की जानकारी करें। कुछ अक्षर दो अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, क्यों हम आपकी हेल्प करेंगे। तो भाई दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर प्रा होता है और प्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि प्रांजुल, प्रेमनाथ। अब आप क्या करेंगे? तो भैया प्रा को आप पास देखें। कहने का तात्पर्य यह है प्रा को आप कन्या राशि में। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता है और त्रा से भी बहुत लोग के नाम है, जैसे कि त्रिभुवन, त्रिदेव। अब आप क्या करें? तो भैया त्रा को आप त्रा से देखें। कहने का अर्थ यह है त्रा को आप तुला राशि में। इसी तरह से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता है और ज्ञा से बहुत लोग के नाम होते हैं, जैसे कि ज्ञानचंद, ज्ञानेश्वरी। अब आप क्या करें? तो भैया ज्ञा को आप गास देखिए। कहने करती है ज्ञा को आप मकर राशि में। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर श्रा होता है और श्रा से बहुत लोग के नाम है, जैसे कि श्रीकांत, श्रीनाथ। अब आप क्या करें? तो भाई श्रा को आप शास्त्र देखें। कहने का अर्थ ये है श्रा को आप कुंभ राशि, ठीक है ना। अब हम आपको राशि फल की तरफ लेके चलते हैं, यानी सभी राशियों के राशिफल की जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। एरिस यानी मेष राशि। मेष लग्न राशि के जातकों, आज आपका मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता का भी सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की उम्मीद है, रोजी रोजगार मंदा रहेगा, पति या पत्नी को कष्ट होने की उम्मीद दिख रहे हैं, बिजनेस पार्टनर से मतभेद होने के चांस हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी के चरणों में लाल पुष्प अर्पित करिए। टोरस यानी वृषभ राशि। वृषभ लग्न राशि के जातकों, आज खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी स्थानों से मदद मिलेगी, भाई बहन से मतभेद होने की योग दिख रहे हैं, झगड़े झंझट की स्थिति आने की संभावना है,
साहस कमजोर रहेगा। विशेष उपाय, छोटी छोटी कन्याओं को आप खीर खिलाइए। जेमनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातक को आज परिवार का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, संतान का सहयोग मिलेगा, विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा दिन है, मन खुश रहेगा और लव पार्टनर आज आपको प्यार करेगा, लव पार्टनर से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो विशेष उपाय, घर में लगे पेड़ पौधों में आप पानी डालिए। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मन खुश रहेगा, पिता को भी सुख प्राप्त होगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग है, माता को भी सुख मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में लाभ होने की योग। विशेष उपाय, दूध खीर मिश्री या सफेद चीजों का आप दान करिए। लियो सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, बदनामी होने की योग दिखाई दे, भाग्य में बाधा पड़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, बाहरी स्थानों संबंध अच्छे रहेंगे, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। विशेष उपाय, गुड़ का आप दान करिए। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज आमदनी मंदी रहेगी, भाई बहन से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, आयु में वृद्धि होगी, पूर्वजों की शक्ति का लाभ मिलेगा, धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं। विशेष उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं। लिब्रा यानी तुला, तुला लग्न राशि के जातकों आज सरकारी कामों में सफलता मिलने की योग दिखाई दे रहे हैं, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पति और पत्नी में भी आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, मन खुश रहेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, बिजनेस पार्टनर से भी आपके तालमेल अच्छे रहेंगे। विशेष उपाय, माता लक्ष्मी को खीर चढ़ाइएगा। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों भाग्य उन्नत में बाधा होने की योग दिख रहे हैं, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, झगड़े झंझट की स्थिति से आप सावधान रहिए, खर्चा बढ़ेगा, परंतु बाहरी लोगों से आपको मदद मिलेगी। विशेष उपाय, हनुमान जी पर बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। सेजिटेरियस यानी धनुराशि, धनु लग्न राशि के जातकों आयु में वृद्धि होगी, पूर्वजों की शक्ति का लाभ मिलेगा, संतान से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, चिंता बढ़ेगी, बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, धन लाभ होने की योग दिखाई दे रहे हैं, भाई लव पार्टनर से भी आपके मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों को विशेष मेहनत करने की आवश्यकता है। विशेष उपाय, विष्णु जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। कैपिकार यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों आज का दिन शुभ रहेगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, भैया खुश हो जाइएगा, आज आपको गृहस्थ सुख मिलने ही मिलना है, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी लाभ होगा, माता को सुख प्राप्त होगा, वाहन सुख भी मिलेगा, सरकारी कामों में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, पूरे बदन में सरसों के तेल की मालिश करके स्नान कर लीजिएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ, कुंभ लग्न राशि के जातकों फालतू चिंता सताएगी, भाई बहन से मतभेद होने की योग दिखाई दे रहे हैं, भाग्य उन्नत में बाधा आएगी, धार्मिक कामों में मन नहीं लगेगा, बदनामी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, काले तिल का आप दान करिएगा। पाइसिस यानी मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों आज छात्रों को विद्या का लाभ मिलेगा, संतान को सुख प्राप्त होगा, धन संग्रह करने के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा,
पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा, आयु की वृद्धि होगी और भी खुश हो जाइएगा। आपका जो लव पार्टनर है आपसे खुलकर प्यार करे। तो विशेष उपाय, लाल गाय को पके खेले खिलाएं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियो। आवश्यक सूचना, आप पर किसी ने तंत्र प्रयोग कर रखा, आपके बच्चों तथा आप पर किसी ने जादू टोना करवा रखा है, आपका बच्चा बहुत ही कमजोर होता जा रहा, सूखता चला जा रहा है, हर तरह का परीक्षण, जन्मपत्री परीक्षण, जन्मपत्री निर्माण, ग्रह शांति, सप्त नारायण कथा, संतान प्राप्ति, सुंदर कांड, विवाह आदि मांगलिक कार्य हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9807225523। मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कुशवाहा मार्केट, नई बस्ती, शिवनगर, मसवानपुर, कानपुर नगर। समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक। जय माता दी।